इसलिए मैं कंप्रेसर भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर फैन का एरर हट जाएगा तो कंप्रेसर चलेगा वरना नहीं चलेगा, है ना। लैंड के घर भी घुमाने चल रही है, वहाँ तो चली नहीं रही ना। हाँ तो वहाँ भी हाथ से घुमाओगे तो चलेगी। तो कैपेसिटर वीक होगा, क्या होगा खराबी, क्या है लाओ ले कराओ, पड़ा होगा ये वाला किसी नीचे खराब वाले पड़ा होगा। पास आज एक कस्टमर का पीसू भी आया है, डाइकिन स्लो चल रही है, आपको क्या जाम हो जाता है, चलते जाम क्यों यार, कंप्रेसर चल रहा है नहीं अभी, ये लगा चेक नहीं करा तो दोस्तों इनका कहना है कि मोटर जो है कुल मिला के ठीक से रन नहीं कर रही है, एरर आ रहा है, एरर आ रहा है, एरर भी आ रहा है फैन का, तो देखते हैं इसको कैसे निपटेंगे इससे। ये मैं कंप्रेसर भी लगा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर फैन का एरर हट जाएगा तो कंप्रेसर चलेगा वरना नहीं चलेगा, है ना। कनेक्शन सही है, सही है, बीच वाला स्टार्टिंग सही है, रनिंग कहाँ डोड़ा है, रनिंग ये रनिंग है ना, न्यूट्रल पे भी जा रही है ना, कहाँ पे जा रही है न्यूट्रल पे, अच्छा अच्छा कॉइल से जुड़ी हुई है, बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है लगा। शॉर्ट नहीं है ना, देख लिया ना आपने, लाइटर को लंबा पड़ रहा है, लैंड के घर भी घुमाने चल रही है, वहाँ तो चली नहीं रही ना। हाँ तो वहाँ भी हाथ से घुमाओगे तो चलेगी, कैपेसिटर वीक होगा, क्या होगा काम करते हैं, पहले कैपेसिटर ही चेक करते हैं क्या करेंगे, क्योंकि एक तो ये घुमाने चल रही है, हो सकता है अपनी स्पीड भी ना पकड़ रही हो, और सीरीज में लगा रहा ना मैं तो ये चल के बाद मतलब सीरीज के मुझे डायरेक्ट के बाद सीरीज में कुछ भी हो सकता है, कल टोका था ना मैंने, हाँ सर कल वोल्टेज के बाद झटके ले रही है, हाँ ऐसे ले रही है, चल पहले झटके देखते हैं क्या है कहानी, झटके की कमांड पे जाते हैं, क्या कमांड भी झटके ले रही है इसकी, ये है ट्रिगर, 8 नंबर से ग्राउंड पकड़ लेते हैं, और कपलर कहाँ लगा है इसका, ये लगा हुआ है, ये इसकी ड्राइव, ड्राइव तो स्टेबल है, क्या है ये तो झटका नहीं ले रही, एक बार और चालू करो, बंद हो गया डायरेक्ट, हो चले गई गैप तो दिया करो, ठीक है झटके लेंडो पहले,
ड्राइव सही है। कमांड नॉर्मल है। कमांड है क्या है? खुला भी लग रहा है क्या? क्या एनर्जी है? वो एनर्जी चेक करें। दो सौ एनर्जी तक चेक कर सकते हैं, ठीक है ना? पॉइंट 147 करा दी क्या है? लाओ ले कराओ। पड़ा होगा ये वाले किसी भी नीचे खराब वाले में पड़ा होगा। चेक करें। वैसे तो मैं लगा देता हूँ लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ उसने क्या लिखा था। 0.47 है ना? मेरे हिसाब से 1 MMHC है। लगाया 1.8 वो कितना लिखा रहा था? 0.147 वो आधा में भी नहीं था। कितना था? आधा भी नहीं दिखा रहा था। ये भी बी की है एक बात है। क्या है फिलहाल मैं ये लगा दे रहा हूँ। तुम एक अच्छा सा देखना जो मिल तक पर 2 दिखाए या 1.9 के ऊपर दिखाए वो लगा लेना, ठीक है? काम बन जाएगा इससे। क्या होगा ऊपरी लगा दूँ अभी? मैं ऊपरी लगा दे रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा फॉल्ट निकल जाए तो अपना खुद लगा लेना, क्योंकि कस्टमर का है, नया लगा के दूँगा, ठीक है? आ गया हमारा हाथ से घुमाना, ठीक है? खुद ही घूमनी चाहिए। सर ये सर कोई बात नहीं। सर ये क्या है? कहाँ ये ट्रेयर लगा हुआ है फेस प्रोवाइड करने के लिए। सर क्या ऐसा फेस सेम पीस भी नहीं निकला?
ठीक है, कंप्रेसर चल गया ना। हाँ मेरा कैपेसिटर एक बार सही हो गया भाई, ठीक है, थोड़ा सा ड्रामा करा इसमें। कहाँ बिन पे नहीं मिले, नहीं पैसे बीमे से निकाल के लगा लो, कहाँ ढूंढने जाओ घट को, ठीक है ना, उसकी वैल्यू सही आ रही है बिल्कुल, वो लगा लो। चल स्टार्ट करता है, खाता है, अब ये लगाओगे नहीं तो होगा क्या, आपको खुद घुमाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, और ये क्या करता है, ये इसको घुमाता है खुद, गलती मैंने कर रहा था शरीर में चेक। हाँ? मैंने गलती ये कर दी, मैं शरीर में ही चेक कर रहा था बार बार, तो फिलहाल तो मैंने अपने पास तो मेन पे लगाई, ठीक है, मेन पे भी ये ड्रामा था, हाथ से घुमानी भी पड़ रही थी, झटके भी ले रही थी और एरर भी आ रहा था, है ना। अब इनने मामूली सा झटका एक आध हल्का फुल्का लिया था, है गौरव भाई, लिया था, है ना, बाकी चलती है, तो सही कैपेसिटर लग जाएगा तो उम्मीद पूरी है, ये बात बन जाएगी। पहला तो यहाँ से घुमाना ना पड़ेगा, क्या है, जब मैं इसको और सही मानूँ तब सही मानो जो हो गया, घूम गए अपने आप, घूम गई ना, बस मेन कमी ये थी कि हमें हाथ से घुमानी पड़ती थी। तो सर ये 15 सेकंड से पहले जो इधर आता है वो फैन का होता है? नहीं सेंसर का होता है, 15 सेकंड के बाद जो आते हैं वो फैन के मारते, सेंसर का एरर सबसे पहले आता है, बहुत बहुत जल्दी आता है। अब ये बल्ब जल गया ना, और इतने झटका भी नहीं दिया, आप नहीं ले भी झटके क्योंकि आप अपने आप उठिए, चल रहा है झटपट, फॉल्ट आपका निपट गया, अगर ऐसा कोई कंप्लेन आएगा तो सबसे पहले कैपेसिटी चेक कराएगा, तो जब ऐसा कोई फॉल्ट जब हाथ से घुमानी पड़े, हाँ क्या करना पड़े, हाथ से घुमानी, या स्लो घूम रही है, ठीक है ना, इन दो कंडीशन, फॉल्ट रोज आपके सामने रिपेयर हो रहे हैं या नोट भी करना है बहुत अच्छे से, इसका वो रूम सेंसर की जरूरत है, ये यहाँ होता है रेड स्क्रीन, ये लगा लिखा ना रूम फॉर RTH, यहाँ पाइप होगा, ये रहा डाइकन में ज़्यादातर डिस्प्ले भी, ये तो इसमें इसमें सही है, एक बार भी झटका नहीं लिया। तो दोस्तों ये देखो पीसीबी आपका ये रिपेयर हो गया, ये स्टूडेंट लाए थे, इनके पापा ने दिया था, इनके पापा मैकेनिकल काम करते हैं ना, किसी कस्टमर का वहाँ मोटर चल नहीं रहेगी, हाथ से घुमाते तो वहाँ भी पीछे चलती है, चक्कर था सिर्फ हाथ से घुमानी पड़ रही थी, सेल्फ काम नहीं कर रहा था इसका, तो ये काम कैपेसिटर का होता है, इसको सेल्फ घुमाना, ठीक है ना। अच्छा भाई हमारा कूलिंग तो ज़्यादा हो रही है रूम की यार, रिमोट है नहीं। तो दोस्तों ये ओके हो चुका है, यहाँ भी ले आ सकते हैं, तो आप भी दोस्तों अगर सीखना चाहते हो बढ़िया से रिपेयरिंग तो आइए और ABC ज्वाइन करिए और मेरे साथ रिपेयर करिए यहाँ बैठ के।